So hello, what's up, guys? Welcome back to another new video of Crafter SMC. Video show करने से पहले हमारे प्यार से कुछ lovely commenters का lovely वाला shout out. और guys, इस video का title है New Updates of Crafter SMC. तो let's go. So guys, देखो यार, आप लोगों को सबको ही पता होगा, बहुत लोग वेट कर रहे हैं क्राफ्टर SMC के नए अपडेट्स के बारे में. तो guys, मैं अभी बता दूं, अभी कुछ एक नया अनाउंसमेंट आया था हमारे क्राफ्टर SMC के अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर. तो वो मैं एट दी एंड आपको बताने वाला हूँ कि क्या अपडेट है, कब आ रहा है, क्या है नहीं, वो सब. ठीक है, तो इस वीडियो का लाइक है मैं 40 का, तो आई होप सो आप लोगों इस वीडियो के लाइक इनको कंप्लीट जरूर कर दोगे. और गाइज, मैं हाल ही में अभी कुछ नई गेम्स भी ट्राई कर रहा हूँ, तो इस वीडियो के बाद एक फोर्टनाइट की वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ आई डू सपोर्ट दैट वीडियो ऑल्सो. ठीक है, मैं कुछ नई गेम्स उसमें ट्राई करने वाला हूँ. अब नई गेम्स में हम ट्राई करेंगे, जैसा फोर्टनाइट हो गया, माइनक्राफ्ट सर्वाइवल तो हम डालने ही वाले हैं, फिर और भी कुछ नई गेम्स हम लोग ट्राई करेंगे. तो आई होप कि आप लोग उसमें भी मुझे सपोर्ट जरूर दिखाओगे. ठीक है, एंड वी आर रनिंग रियली क्लोज टू 5K, तो आई होप कि 5K भी आप लोग जल्दी कंप्लीट करवा दोगे. ठीक है, सो गाइस, जो अभी हमारा बेसिक काम है, सबसे पहले तो हमारा जो एन्चांटेड का जोम्बी का ये है, उसको हम लोग फटाफट जितना भी हो सकता है हम लोग फटाफट बना लेते हैं, बिकॉज आई थिंक सो मेरा एक और जोम्बी हार्ट जरूर बन जाएगा और मैं उसको सेल आउट करने वाला हूँ. ठीक है, जोम्बी हार्ट जो है वो दूसरा वाला जो बनेगा उसको मैं सेल कर दूंगा. आई डोंट नो उसकी अभी प्राइस कितनी है, तो अगर आप लोगों को पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, और आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम, अगर आप लोगों को कोई क्राफ्टर के रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह है तो आपका भाई बैठा है, आप लोग मुझे बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, मैं ट्राई करूंगा उसको जरूर सॉल्व करने की. ठीक है, सो गाइस, यहाँ पे फटाफट अपने जितना भी जोम्बी का यहाँ पे रॉटन फ्लैश हमें मिलता है उसको फटाफट एन्चांटमेंट में हम लोग, मतलब एन्चांटेड रॉटन फ्लैश में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज देखो यार मेरे को टाइम लगने वाला है. और आई थिंक सो हमारा जो हमारा एन्चांटेड लावा बकेट का भी जो काम है वो भी बहुत हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज हमारा जो मिनियन है बहुत अच्छे तरीके से स्पीड में काम कर रहा है. तो गाइस, एन्चांटेड रॉटन फ्लैश हम लोग फटाफट बनाने के बाद कुछ ही देर में आपसे मिलता हूँ, और एट दी एंड आप लोगों को थोड़े बहुत अपडेट्स भी बता दूंगा, क्या अपडेट आने वाला है, कब आने वाला है वगैरह. ठीक है, तो वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए. ठीक है, सो गाइस, फाइनली जितना भी हमारा रॉटन फ्लैश था वो हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया एन्चांटेड रॉटन फ्लैश के अंदर. तो यहाँ पे हमें हाफ अ स्टैग मिल चुका है, यानी 33 एन्चांटेड रॉटन फ्लैश. ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं इसे ले आया हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कोल मिनियन है इससे हमारे को कोल भी लेना है. ठीक है, बिकॉज यार देखो यार, एन्चांटेड लावा बकेट मुझे बनानी है हमारे वो डायमंड मिनियन के अंदर लगाने के लिए, क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा ही स्लो काम कर रहा है, लिजिट यार बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहा है. और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा भाई मटीरियल जो मुझे बनाना है वो रेवेनेंट मिनियन, वो सालों लग जाएंगे मुझे. ठीक है, तो मुझे फटाफट से जितना हो सके जल्दी मुझे एन्चांटेड मतलब लावा बकेट बनानी है. यहाँ पे हमारे पास अभी सिर्फ एक क्या बोलते हैं, एक एन्चांटेड कोल्ड ब्लॉक बनाना जितना ही सामान हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको बनाने में. और यहाँ पे फाइनली हमारा 3 स्टैक एन्चांटेड रॉटन फ्लैश कंप्लीट हो चुके हैं. एक और एन्चांटेड रॉटन फ्लैश ही है, फिर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा. सो गाइस, अब बात करते हैं हमारे कुछ अपडेट के बारे में, तो लेट्स गो टू द अपडेटेड सेक्शन. सो गाइस, देखो यार, अपडेट की बात करें तो यार अभी तक प्रॉपरली कोई नोटिफाई आया नहीं है हमारे क्राफ्टर SMC का कि कौन से नए अपडेट्स अभी आने वाले और वो कौन से डेट पे आने वाले. बट अभी जो हाल ही में जो अनाउंसमेंट आई है वो ये है कि क्राफ्टर SMC के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है उनके लेटेस्ट वर्जन पे लाने के लिए. क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा कि सारे जितने भी हाईपिक्सल के सर्वर वो सब 1.19.80 पे चल रहे हैं और माइनक्राफ्ट का खुद लेटेस्ट वर्जन है. ठीक है, बट क्राफ्टर अभी अपडेट इसलिए नहीं कर पा रहे गाइस, बिकॉज उनके जितने भी डेवलपर है वो अभी एक्चुअली ऑफलाइन बैठे हुए हैं, और एक ही डेवलपर है जो अभी उसको अपडेट कर रहा है. ठीक है, तो वो एक ही बंदा अपडेट कर रहा है, इसलिए इसको अपडेट होने में टाइम लग रहा है, बिकॉज क्राफ्टर SMC की जितनी भी चीज़ें हैं वो अभी ओल्ड वर्जन पे चल रही है, जैसे 1.19.73 71 72 पे चल रही है, तो उसको अभी 80 पे लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज एक ही बंदा है जो अभी उसको ऊपर काम कर रहा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि 1.19.80 पे आने में क्राफ्टर को आई थिंक से 2 या 3 वीक लग जाएगा. और रही नई अपडेट्स की बात, तो गाइस देखो यार, एक ही डेवलपर काम कर रहा है तो आई थिंक सो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा. आई थिंक नेक्स्ट मंथ या तो ये मंथ के अंदर शायद से बोल रहा हूँ, पक्का नहीं बोल सकता कि अपडेट आएंगे कि नहीं, बट अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो मैं फटाफट से आप लोगों को एक प्यारी सी वीडियो बना के उसके अंदर जरूर बता दूंगा. तो इस वीडियो का लाइक है मैं 40 का, तो आई होप सो आप लोग वो लाइक कंप्लीट करते कर दोगे. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर गाइस, तब तक के लिए सी यू, टाटा एंड बाय बाय.